कि हमारे पास जिस टाइम ब्रीड है उसका नाम है फारूक कैमल और ये बेसिकली भारत की ब्रीड है। प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जितनी ब्रीड है उनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ब्रीड है, 300 सालाना एवरेज है प्रोडक्शन। और प्लस पॉइंट इसका ये है कि उसके अंडे का साइज मुर्गी से 30 गुना ज़्यादा बड़ा है और बीमारियाँ तो कम होती हैं, इसका अंडे की सफाई जो है वो मुर्गी के अंडे से ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर नाज़रीन को अपना और अपने इलाके का तारफ करवा दें। सर मैं इस्लामाबाद से सीएस फॉर्म, इस्लामाबाद हमारा फॉर्म है और फॉर्म जो हमारा जो बतखों का फॉर्म है वो पिंडी में तकरीबन जहाँ पे हमने बतख होगा छोटा सा बनाया। सर हमारे मुल्क में जो डक फार्म है वो गिने चुने हैं, ज़्यादा दोस्त यही समझते हैं कि ये जो कारोबार है ये फ्लॉप है। आप ये काम कितने अरसा से कर रहे हैं और ये काम कैसा है, आपने अभी तक इस काम से क्या सीखा है या क्या हासिल किया है? बिल्कुल बत्तख का फार्म काम जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान में, हमें भी काम करते हुए अभी तकरीबन कुछ टाइम है लेकिन ये फ्लॉप नहीं है, इसको थोड़ा काम करने में बेहतर है। इस तरह के आप देखें, अगर आप अगर 150 अंडे रखते हैं अपने पास, उसका ब्रीडर बनाते हैं तो आपको इजीली इसका अंडा जो है बेकरीज वाले और इस तरह आम जो रूटीन में खाने वाले लोग होते हैं वो ले लेते हैं। खासतौर पर मार्च पर इसका अंडा सप्लाई हो रहा है तो उसकी फार्मिंग अच्छी है, आपको इजीली ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मॉल्स पे सप्लाई करें या फिर बेकरी वालों को सप्लाई करें। ठीक है, इनकी इसके जो अंडे हैं वो आसानी से सेल हो जाते हैं जी बिल्कुल। भाई सबसे पहले बात करेंगे ये जो ब्रीड आपने रखी है ये कौन सी ब्रीड है और इसके कोई प्लस पॉइंट जो है दोस्तों को वो बताएं। देखिए हमारे पास जिस टाइम ब्रीड है उसका नाम है फारूक कैमल और ये बेसिकली भारत की ब्रीड है। प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जितनी ब्रीड है उनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ब्रीड 300 सालाना एवरेज है प्रोडक्शन। और प्लस पॉइंट इसका ये है कि उसके अंडे का साइज मुर्गी से 30 गुना ज़्यादा बड़ा है और बीमारियाँ तो कम होती हैं, इसका अंडे की सफाई जो है वो मुर्गी के अंडे से ज़्यादा है तो इस वजह से इसका फार्मिंग का जो है काफ़ी स्कोप है आगे के काम से। अब इस तरह देखा जाए कि जो अंडा है उसके लिए मिनरल्स की तादाद भी ज़्यादा है मुर्गी की नस्बत से, जो लोग ये कह रहे हैं कि मेडिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं इसके अंडे खाने के लिए। ठीक है, यानी कि माशाल्लाह जो अंडे देने की सलाहियत है वो भी ज़्यादा है और साइज भी बड़ा है। इसके अलावा जो इसका गोश्त है उसके मतलब बताएं ना कि गोश्त के लिहाज से ये ब्रीड कैसी है? गोश्त के लिहाज से देखा जाए तो उसके हिसाब से ब्रीड अच्छी है, इसका एवरेज जो वेट है इसका हमारे पास जो एक बैक फीमेल बैक है उसका 2.5 किलो वजन है और जबकि अभी इसकी एज जो है तकरीबन 5.5 किलो है और इसी तरह इसके नर का वजन जो थोड़ा सा सुधार है 3-1 किलो के करीब है तो और खाया भी जाता है, टेस्ट में भी अच्छा है, बिल्कुल टेस्ट में मुर्गी जैसा है और अफाजियत लेकिन इसकी मुर्गी की बहुत ज़्यादा है। मार्केट इसकी ज़्यादा अंडों की है या गोश्त की है? इस टाइम इसकी मार्केट जो है ज़्यादा गोश्त की भी है और अंडों की भी है लेकिन प्रेफर इस टाइम मार्केट में किया जा रहा है वो इसका अंडा किया जा रहा है। अच्छा, अंडे बेकरी वाले लेते हैं जी बिल्कुल, इसके अलावा और कौन लेते हैं? बेकरी वाले लेते हैं, जिन लोगों ने आगे सप्लाई करने होते हैं वो लोग उठाते हैं अंडा। जिस तरह की मैं आपको पहले बताया कि मार्च पे इसका अंडा सप्लाई हो रहा है, पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टोर्स पे आप जाएंगे आपको डक के अंडे मिलेंगे वहाँ, तो इस तरह करके इसकी काम चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोग इसमें काफ़ी आगे बढ़े हैं माशाल्लाह जी। तो सर इसके अंडे का रेट क्या है मार्केट में? देखिए मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो अंडे का रेट इस टाइम हर किसी का अपना है लेकिन हमने बड़ी मुनासिब रेट रखा है ताकि सब जो है नए फार्मर जो शुरू करना चाहते हैं काम उनके लिए आसानी हो लेने के लिए, तो हमने जो रेट रखा है वो 60 रुपये है। कितने रुपये? 60 रुपये। 60 रुपये ठीक है। जो दोस्त ये फार्मिंग करना चाहते हैं वो आपसे इसके अंडे, इसके चूजे या ब्रीडर ले सकते हैं? जी बिल्कुल, ब्रीडर तो मुश्किल है, हम इस टाइम जो काम कर रहे हैं वो अंडे पे कर रहे हैं और चूजे पे कर रहे हैं, आपको इसका अंडा भी मिल जाएगा और आपको चूजा भी मिल जाएगा। अंडा जिसका मिलेगा वो मिलेगा आपको तकरीबन 60 रुपये के हिसाब से और जो चूज़ा के जब रिसेंटली हमने 7 दिन का चूज़ा जो उसका देंगे वो 270 रुपये के हिसाब से होगा और 7 दिन का चूज़ा देंगे आपको 1 दिन का चूज़ा नहीं देंगे, जिसके लिए ब्रूडिंग 7 दिन की खर्चा वो सारा हम क्या कहते करेंगे और उसके बाद आपको हैंडओवर आपका माल करेंगे। उसामा भाई वो जो चूज़ा 7 दिन का होगा उसको वैक्सीन वगैरह जो करनी होती है वो भी की होगी? बिल्कुल, फर्स्ट वैक्सीन उसको मिली होगी, बाकी जो वैक्सीन होगी क्योंकि बत्तख जो है वो बीमारी के हिसाब से देखा जाए सब सख्त जान होती है, आपका ज़्यादा खर्चा वैक्सीन पे नहीं होता लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे आप NDI भी लाजमी करें, बाकी ना करें लेकिन NDI भी लाजमी करें। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अभी सर इनकी तैयारी के मतलब बताएं कि जो दोस्त 1 दिन का या 7 दिन का चूज़ा लेंगे वो इसको किस फीड पे किस खुराक पे तैयार करेंगे, कितना अरसा लगेगा, इसके अलावा जो वैक्सीन है उसका भी शेड्यूल बता दें। देखिए इसकी तैयारी जो है बिल्कुल ऐसी है जिस तरह मुर्गी की तैयारी है,
जिस तरह हमारी मुर्गी की फार्मिंग हो रही है सेम उसी तरह फ्यूड सारी वो है कि जिस तरह उसको हम पहले एक नंबर चलाते हैं फिर आस्ते आस्ते करके अगर लेयर पे मुर्गा लाना उसको अंडा लेना तो अंडे वाली फ्यूड चलाते हैं इसी तरह क्या कहते हैं आप इसको तैयार करेंगे टोटल एक मुर्गी का जो कॉस्ट आती है तैयार होने पर सॉरी इसकी बत्तख की वो आती है 600 रुपये जिसमें वैक्सीन से लेके और फीड का खर्चा 5 महीने तक शामिल है आपको तैयार जो मिलेगी वो तकरीबन 600 से 700 के दरमियान जो फीड है वो भी मुर्गियों वाली इस्तेमाल करते हैं या कि इसकी फीड में कोई फर्क है नहीं बिल्कुल सेम फीड फीड जो है बिल्कुल एक ही दोनों की इसलिए आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी कि आप फीड इसके लिए स्पेशल कोई आती हो या कुछ और इस्तेमाल करें सेम आपने वही फीड इस्तेमाल करें जो मुर्गियों को इस्तेमाल करते हैं इसके साथ ये है आप इनको हरी चीजें डालें उससे ये होगा कि इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता रहेगा बीमारी से बची रहेंगी हर तरह की अच्छा हरी चीजें उनसे क्या मुराद है कोई मिर्च वगैरह धनिया वगैरह या कोई और चीज धनिया पालक इस तरह की चीज़ें आप डालें हरियाली कुतरा वगैरह आप उसको डालें ताकि मुर्गी अंदर स्ट्रांग रहे कम से कम जो है वो बीमार ठीक है ये सर जो बथे हैं ये अंडे पे कब आती हैं 5 माह बाद 5.5 माह बाद क्या सिस्टम है इनका ये 5 माह बाद अपना फर्स्ट लिंग शुरू कर देती हैं लेकिन जो ये कहने के शुरू के अंडे जो होते हैं जो इसको हम स्टार्टर बोलते हैं उसके बाद तकरीबन प्रॉपर साइज का अंडा वो 5.5 माह में शुरू करते हैं 5.5 माह में ठीक है अच्छा सर बड़ा अहम सवाल है ये जो हॉकी कैमल है इसकी कोई निशानियां बतानी है कि दोस्तों को ये प्योर चीज़ ही मिले क्योंकि अक्सर देखने में ये आया कि कुछ दोस्त ना प्योर के नाम पे 2 नंबर चीज़ देती हैं माशाल्लाह ये देखने में बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं इनकी जो प्योरिटी है उसकी चंद एक निशानियाँ बता दें देखिए खाकी कैमल में सबसे पहली चीज़ है कि आपको ना इसके अंदर वाइट कलर नहीं दिखेगा इसके अंदर 2 पैटर्न होते हैं एक होता है खाकी रंग का और दूसरा इसकी गर्दन आप देखेंगे तो गर्दन ऊपर से ना ब्लैक है सर से लेके और गर्दन तक ब्लैक है ये नर का होगा ठीक है नर इस तरह होगा और उसकी जो फीमेल होगी वो पूरी खाकी होगी ठीक है ये इसकी प्योर है कहते हैं इसके बीच में वाइट रंग आता है तो वो प्योर की निशानी नहीं है वो इसका मतलब इसके अंदर आने की क्रॉस ब्रीड है बाकी जो प्योर है और लेइंग भी सबसे ज्यादा जो देती है वो फर्टाइल अंडे लेने के लिए कितनी फीमेल के लिए एक मेल की जरूरत है आप 5 के साथ लाजमी एक रखें एक मेल रखें लोग हर कोई अपने हिसाब से सेट रखते हैं जो बजट या जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है लेकिन हम ये कहते हैं कि आप 5 के साथ एक फीमेल रखें ताकि आपकी जो फीमेल जो है वो अंडा फर्टाइल हो सके ठीक है देखने वालों को कोई छोटी सी फिजिबिलिटी बता दें कि अगर उनके पास 50 ब्रीडर हैं या 100 ब्रीडर हैं तो वो एक महीने की या साल की इससे क्या अर्निंग कर सकते हैं देखिए अगर आप थोड़ी सी अपनी मार्केटिंग बेहतर करें अपने इलाके में इसको प्रमोट करें तो आप महाना से क्योंकि इसकी प्रोडक्शन के हिसाब से ही अच्छी है इस वजह से आप महाना तकरीबन इजीली आप 30-40 हज़ार रुपये अर्न कर लेते हैं खर्चा निकालने के बाद 30-40 हज़ार कितने ब्रीडर से या मिनिमम 50 से 50 से क्योंकि इसके अंडे का साइज मुर्गी के अंडे के साइज से बड़ा होता है ठीक है तो इस वजह से इसको देखने से इसकी डिमांड है माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कोई और अहम बात इनके मतलब जो मैंने नहीं पूछी या जो दोस्त ये काम करना चाहते हैं उनके लिए कोई अच्छा सा मशवरा सबसे पहला मशवरा तो ये है कि जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो छोटे से लेवल से स्टार्ट करें ज़्यादा बड़े से स्टार्ट ना करें क्योंकि बत्तख का काम ऐसा है इसको सीखना पड़ता है मुर्गी तो ये है कि हमने किसी ने ब्रायलर रखी किसी ने लेयर रखी हुई है उसको अंदाज़ा होता है बत्तख को थोड़ा समझें इसकी मार्केटिंग पे थोड़ा सा काम करें अपनी पास की मार्केट बनाएं उस फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता करें ग्रो करें आप अचानक ही 3-4 से ब्रीडर रखें तो वो आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता क्योंकि आपने मार्केट नहीं अपनी बनाई होती और आप बहुत बड़े सरमाए के साथ मार्केट में आ जाए जी इस वजह से नुकसान होता है आप छोटे सरमाए से स्टार्ट करें मार्केट बनाए उसकी तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं इससे सबसे अच्छा मशवरा यही इस काम में कोई परेशानी कोई मुश्किल भी हैं देखिए परेशानियाँ मुश्किल तो हर काम में होती हैं बस ये है कि आप देखिए कोई सीज़न आ रहा है बीमारी का इससे पहले लाजमी आपने वैक्सीन करनी है परिंदे को ताकि आपका परिंदा सेफ रहे बत्तख वैसे भी सब जान होती है लेकिन एहतियात लाजमी है करेगी आप वैक्सीन करें इसको विटामिन चलाएँ और ये सब चीज़ें आप प्रॉपर रखेंगे तो इंशाल्लाह किसी तरह का मसला आपको नहीं आएगा लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी करें हर चीज़ उसामा भाई जो दोस्त आपसे अंडा लेना चाहते हैं चूज़ा लेना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं वो आपसे किस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जी हमारे 2 नंबर होंगे एक नंबर मेरा अपना जाती है मैं बता देता हूँ आपको 0303-056-2437 एक इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं दूसरा नंबर मैं दे दूंगा वो आप स्क्रीन पे मैं चला देगा तो उस पे वो रब्ता कर ठीक है जी उसामा भाई बहुत शुक्रिया जी आपने अपना कीमती वक्त दिया बड़ी अच्छी और उम्दा गुफ्तगू की है अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़